गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद मी। कैसे हैं आप लोग? विंटर आ रहा है ना, पता है ना, थोड़ा थोड़ा ठंड ठंड बढ़ने लगी है। मुझे ये वाला सीजन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, विंटर से भी ज्यादा। और विंटर में स्पेशल क्या होता है, हम लोग बहुत अच्छे से खाना वाना बनाते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, बहुत स्पेशल आइटम बनाते हैं जो विंटर में ही बनाया जाता है। मेरा भी कुछ ऐसा रेसिपीज है जो मैं विंटर में बनाती हूँ। और पिछले वाले मैंने एक व्लॉग शेयर किया था आप लोगों के साथ, जब मेरे घर में बहुत दो गेस्ट आए थे और मैंने बहुत सारा खाना बनाया था, तो आप लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, तो मैंने सोचा कि आज भी मैं थोड़ा बहुत अलग खाना बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ वो जरूर शेयर करूंगी। पूरा दिन का शेयर करूंगी, डिनर में भी क्या बना रही हूँ वो भी शेयर करूंगी, और लंच में भी क्या बना रही हूँ वो भी शेयर करूंगी। और अभी मैं नहा के आई हूँ और अभी चलिए फटाफट खाना बनाते हैं। दोपहर में बनाऊंगी मैं खिचड़ी, वो भी सारे सब्जी दे के, एंड डिनर में मैं बनाऊंगी कोराईशुटीर कचौड़ी, मतलब पीस कचौड़ी एंड दम आलू। तो चलो 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 चलो। ओके, सो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने पहले लिया है 2 तेजपत्ता, एक लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च जिसको मैंने फाड़ दिया है, और ये 1 चम्मच होल जीरा और चुटकी भर हींग। ये मैं डालूंगी पहले ऑयल में, प्रेशर कुकर में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, तो ये डाल दूंगी और इसको 30 सेकेंड्स तक फ्राई होने दूंगी। मैं बहुत ही कम ऑयल में खाना बनाती हूँ। और इधर पे मैंने कुछ सब्जी में लिया है फूल गोभी और बड़े पीसेस में, और गाजर लिया है मैंने वो भी बड़े पीसेस में, टमाटर लिया है वो भी थोड़ा सा बड़ा ही पीस रखा है मैंने, और इधर पे मैंने लिया है मूंग दाल और राइस, मतलब चावल, इन दोनों को मैंने धो रखा है। और मैं बता दूँ आपको, अगर आप 1 ग्लास चावल बनाते हैं तो खिचड़ी के लिए 1/2 ग्लास चावल एंड 1/2 ग्लास दाल देना पड़ता है, इक्वल क्वांटिटी में दोनों चीज़ें देना पड़ता है, तो ये टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मसाले जो है वो फ्राई हो चुका है, यू कैन सी, तो इसके अंदर मैं अभी डाल दूंगी फूल गोभी। आप चाहे तो आलू डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, पीस डाल सकते हैं, मतलब कोराईशुटी सभी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है खिचड़ी में, शीम डाल सकते हैं। और इसको अभी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, थोड़ा सा लाल करके 1-2 मिनट तक फ्राई करूँगी। तो यू कैन सी ये थोड़ा सा फ्राई हो चुका है गोभी एंड गाजर। इसके अंदर मैं डालूंगी अदरक 1 इंच का, और इसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो अदरक की पेस्ट भी इसमें इक्वली यूज़ कर सकते हो। और मैं डाल दूंगी टमाटर को भी, और मैं डाल दूंगी दाल एंड चावल को भी, क्योंकि ये फ्राइड नहीं है, तो इसको मैं हल्का सा सब्जी के साथ जो है वो फ्राई करूंगी। एक मिनट तक इस चावल और दाल को भी सब्जी के साथ फ्राई कर लेना है। सो राइस एंड दाल जो है वो 1 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया है, तो इसके अंदर अभी जाएगा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। फिर से एक बार इसको भून के मैं पानी देके, नमक देके इसको सीटी लगाऊंगी। पानी डाल दिया है मैंने, और पानी जो है वो थोड़ा सा अभी बॉयल हो रहा है, इस टाइम पे मैं ऐड कर दूंगी बस बहुत ही कम, हल्का सा 1/2 चम्मच से भी कम घी, और मैं ऐड करूंगी फ्रेश कूटा हुआ गरम मसाला। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गरम मसाला पाउडर भी यूज कर सकते हैं, पर फ्रेश गरम मसाला कूट के डालने का ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सो अभी मैं ढक्कन लगा देती हूँ। सो खिचड़ी तो बनके रेडी हो गया है, तो रात में मैं बनाऊंगी कोराईशुटीर कोचूरी, मतलब पीस कचूरी, तो उसका जो स्टफिंग है वो अलग से बनाना पड़ता है, तो उसके लिए उसका प्रिपरेशन अभी ले लेती हूँ, और दम आलू भी बना लेती हूँ। रात में मैं सिर्फ
पराठा नहीं कचौड़ी का डो बनाऊंगी और उसके अंदर स्टफिंग डाल के कचौड़ी बेल लूंगी, क्योंकि रात के लिए ना मैं ज्यादा काम नहीं रखती हूँ, क्योंकि रात के लिए मैं एडिटिंग वगैरह जो काम रहता है मैं कुछ सीखती रहती हूँ, वो सारी चीजों के लिए मैं टाइम रखती हूँ। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं कोराईशुटी कचौड़ी, मतलब पीस कचौड़ी का स्टफिंग। सो मैं पीस कचौड़ी के लिए पहले पीस यानी कोराईशुटी इसको बॉयल करूंगी। एक्चुअली मैंने जो ये पीस यूज किया है ये फ्रोजन है, तो फ्रोजन पीस ऑलरेडी थोड़ा सा बॉइल्ड रहता है। अगर आप नॉर्मल वाला पीस यूज करेंगे तो प्रेशर कुकर में एक सीटी तक इसको उबाल लीजिए, और अगर आप फ्रोजन यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे कोई एक बर्तन में लेके 5 मिनट तक इसको बॉयल कर लीजिए, और जब बॉयल ख़त्म हो जाएगा आप फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तुरंत इसके अंदर थोड़ा सा आइस क्यूब डाल दीजिए, इससे क्या होगा इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा। सो पानी जो एक्स्ट्रा था वो मैंने फेंक दिया है 5 मिनट बाद, और यू कैन सी मैं बर्फ़ डाल दिया था ये बॉयल होने के बाद ही, तो इसीलिए इसका जो कलर है वो एकदम ग्रीन है, बट ये बॉयल हो चुका है, एकदम प्रॉपरली बॉयल हो चुका है यू कैन सी, पर इसका कलर जो है वो अभी तक बहुत अच्छा ग्रीन है, तो बर्फ़ ज़रूर डालिए। सो अभी जो है मैं इसको मैश करूँगी बहुत अच्छे से। अगर आप हाथों से मैश करना चाहते हो तो हाथों से भी कर सकते हो, अगर आप मिक्सी में डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, पर ध्यान में रखिए मिक्सी में जब ये डाल रहे हो ना एकदम प्रॉपर ब्लेंड मत करो, थोड़ा थोड़ा ना कच्चा भी थोड़ा थोड़ा रहने दो, वो जब मुंह में आता है ना बहुत अच्छा लगता है। सो स्टफिंग बनाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कोई नॉन स्टिक का पैन लीजिए, इससे क्या होता है कि ये ना बहुत चिपक जाता है, और मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा है, एकदम फाइनली पेस्ट नहीं किया है। इसके अंदर मैं नमक नहीं डालूंगी क्योंकि मैं बॉयल नमक देके किया था, और ये है भाजा मौसला, मतलब भुना हुआ जीरा या धनिया को आप डाल सकते हो, ये बंगालीज़ का एक स्पेशल मसाला होता है जो मैंने मम्मी बना के दिया था मुझे। आप ड्राई रोस्ट कर सकते हो जीरा एंड धनिया पाउडर को, और यह है मैंने एक इंच का अदरक लिया है जिसको मैंने घिस लिया है, और डालूंगी मैं थोड़ा सा हींग। तो पहले डालते हैं ऑयल, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इसमें, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो डालना है हींग, थोड़ा सा ज़्यादा लगता है हींग इसमें, डालना है अदरक, अदरक देने से बहुत छींकता है, तो फटाफट आप जो ये बनाया है आपने मिक्सचर वो डाल दीजिए। सो इसको हमें 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक कि ना ये चिपक के एक डो की तरह बन जाए, और थोड़ा सा ये पक जाए तो उसके बाद डालना है भाजा मौसला। सो ये काफ़ी सूख गया है तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ भाजा मौसला, छोटा एक चम्मच की या आप डेढ़ चम्मच भी डाल सकते हो, ये इसका ही स्वाद आता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा करके आप डालोगे भी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये हो गया है, इसको अच्छे से मिला लेना है, और नमक भी एक बार टेस्ट कर लेना है कि ज़्यादा तो नहीं हो गया है, देखो आप कितना चिपक रहा है, अगर नॉन स्टिक में बनाओगे ना तो मतलब उतना नहीं चिपकेगा, नहीं तो ये बहुत कम हो जाता है इधर उधर फैल के। सो स्टफिंग मेरा बनके रेडी हो गया है, तो इसको मुझे अभी कोकोनट लड्डू की तरह छोटा छोटा बॉल बनाना है, पर ये बहुत गर्म है, थोड़ा टाइम देते हैं, तब तक मैं बना लेती हूँ दम आलू। तो दम आलू के लिए मैंने मसाला लिया है जो है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला पाउडर या आलू दम आलू का मसाला, 2 बड़े चम्मच जीरा पाउडर, और 1 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे धनिया पाउडर। सो मसाले के अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, और मसालों को ऐसे ही छोड़ दूंगी मैं। सो कढ़ाई में मैंने डाला है 1 बड़े चम्मच ऑयल, मैं ज्यादा ऑयल में खाना नहीं बनाऊंगी, आप चाहे तो थोड़ा सा ज्यादा डाल सकते हो तो उसमें टेस्ट जो है ज्यादा अच्छा आता है, और ये है बॉइल्ड पोटैटो, इसको पहले थोड़ा सा फ्राई करूंगी। सो आलू जो है वो लाल करके फ्राई हो चुका है, तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी मसाला का जो मैंने बनाया था वो,
और बस आलू में भी मेरा मैंने नमक डाला है, तो थोड़ा बहुत मैं नमक डालूंगी और बस इसको ऐसे पकने दूंगी। जब ऐसे सूख जाएगा तो ये बन जाएगा, बहुत सिंपल है। तो पानी एकदम सूख चुका है, तो मैं लास्ट में फ्लेम को ऑफ करने से पहले थोड़ा बहुत टमाटो केचप डालूंगी। आप चाहे तो टमाटो प्योरे भी डाल सकते हो, पर प्योरे अगर डालोगे तो पहले डालना पड़ेगा, पर मुझे लगता है कि इसमें टमाटो केचप ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बन गया है एकदम रेडी। आप चाहे तो इस टाइम पे थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल सकते हो, पर मुझे इसका टेस्ट ही ऐसा लगता है, अच्छा लगता है। सो मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। सो द आलू इज रेडी। ऊपर से थोड़ा सा और टमाटो केचप, देखिए मैंने गार्निश किया, धनिया पत्ता आज नहीं डाला। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत कितना जल्दी बनता है ना यार, आप जरूर ट्राई करो इसको। सो खाना तो रेडी है, अब क्या करेंगे हम लोग, लंच करेंगे, है ना। तो पहले मैं एक बात आपको बता दूँ, हमारे इधर पे एक फ्रेंड रहते हैं और उनके जो फादर इन लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा अंकल पोएट्री लिखते हैं, और यूट्यूब में उनका एक चैनल है, अभी अभी जस्ट उन्होंने खोला है। और इतना अच्छा लगा मुझे उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा लगा। उनका नाम है कृष्णगोपाल भट्टाचार्य और वही नाम से जो है चैनल भी है यूट्यूब में, और हिंदी में, इंग्लिश में और बंगाल तीनों लैंग्वेज में भी बनाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद है ना तो प्लीज़ एक बार उनके चैनल को ज़रूर चेक करना और उनको मोटिवेट करना, ताकि अंकल और भी अच्छे अच्छे पोएट्री आपके साथ शेयर कर पाए। सो मैं उनका चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप एक बार चेक कर लेना प्लीज़। सो मैंने पापड़ भी सेक लिया है और ये है खिचड़ी, और ये भुना खिचड़ी जो बोलता है ना वो है, मतलब मैं थोड़ा सा लिक्विड खिचड़ी पसंद नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा सा ड्राई खिचड़ी पसंद करती हूँ। ओह माय गॉड, ये इतना अच्छा खुशबू निकल रहा है ना इसका, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं मतलब वेट नहीं कर पा रही हूँ। चलिए मैं जल्दी जल्दी लंच करती हूँ। सो खिचड़ी इतना अच्छा बना था ना, मैं क्या बताऊँ आपको गाइस। तो कभी भी आप खिचड़ी बना रहे हो ना, तो एंड में जब गरम मसाला जब आप डाल रहे हो तो फ्रेशली कुटा हुआ गरम मसाला डालो, लाइक उसमें दो इलायची, दो लौंग और इतना सा दालचीनी डाल के कूट के डाल दो। उसका जो स्मेल होता है ना यार, थोड़ा सा ना आप उसमें जायफल भी डाल सकते हो, बस थोड़ा सा, बहुत कम ना। अच्छा ना, आज जो मैंने खिचड़ी बनाया वो एकदम डीप बेस्ड था। आज मैंने सबसे ज़्यादा डिलीशियस खिचड़ी बनाया था, बताया आपको। सो अभी मुझे बहुत काम है, एडिटिंग का काम है, बहुत सारे काम है, वो कर लूँ, उसके बाद मैं पूड़िया जब तलूंगी, कचौड़ी, तब दिखाऊंगी आपको। बूम भूत हूँ मैं, भूत, बताया आपको, पर मैं थोड़ा सा नहीं, बहुत ही शरीफ भूत हूँ, मुझे तो डराना भी नहीं आता किसी को, पर मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं भूत बन के डराऊँ सबको। सो मेन टॉपिक पे आते हैं, मैं ना थोड़ा सा इचीनेस हो रहा था मेरे मुंह पे, तो आफ्टर लंच मैं बहुत सारे काम कर लिया है मैंने, खाना वाना सब कुछ, मतलब लंच के बाद तो कुछ खाना, फ्रूट्स वगैरह खा लिया है, फिर काम वाम ख़त्म किया, फिर अभी बज रहा है 7:30 और थोड़ा सा इचिंग फील हो रहा था मेरे मुंह पे, तो मैंने नीम पैक लगाया और ये अभी सूखने को आया है। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, क्या होता है ना हमारे एरिया पे तो एक चीज़ होता है, उसको बोरिंग बोलते हैं, तो जो लोग हैदराबाद में रहते हैं उन लोगों को पता रहता है। क्या होता है कि मिट्टी के अंदर से जो है ना पानी यहाँ बहुत डीप में है, और इधर पे मिट्टी कम है, पत्थर ज़्यादा है, मतलब मिट्टी के अंदर, तो क्या होता है कि बहुत दो चार दिन लग जाते हैं पानी निकालने में, और बहुत गहराई में वो लोग जो लोहे की जो पाइप रहता है ना बहुत बड़ा साइज़ का, वो अंदर तक लगाते हैं। तो जब ये करते हैं ना, चारों तरफ वाइट कलर की धूल, मतलब वो पत्थर की डस्ट है, वो फैल जाता है। तो जब भी ये होता है हमारे आसपास के कहीं कोई घर में, तो मेरे मुंह पे पिंपल्स आ जाते हैं और मुझे थोड़ा सा इचीनेस होता है, रेडिश हो जाता है कभी कभी, और इससे मैं नहीं बच सकती हूँ। मैंने हमारे एक रिलेटिव डॉक्टर है, डर्मेटोलॉजिस्ट, तो मैंने उनसे भी पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये उसके वजह से हो रहा है। तो आप लोग मुझे बोलते हो, अरे मोनुषिता आपका पिंपल्स चले गए तो फिर आ गए, फिर क्या करूँ यार मैं, ये जो है ना इधर पे मुझे पिंपल्स आ गया था, ये मेरे एकदम पास वाले घर में हुआ था, और उस डस्ट, आप कितना रोकोगे, मतलब आपको तो जाना पड़ेगा ना बाहर कपड़े वपड़े सुखाने के लिए, तो उसके वजह से ना इतना वो लगता है,
हो जाता है। सो चलो चलो चलो, ये सूख गया है, मैं बात नहीं कर सकती हूँ। मैंने आटा की डो मुझे बनानी है अभी, इस टाइम पे मैं आटा की डो बना लेती हूँ, उसके बाद फ्रेशन अप होके मैं गरम गरम कचौरियाँ तलती हूँ। ये है हमारा डिनर। सो इस डिनर को देख के किस किस के मुंह में पानी आ रहा है मुझे जरूर बताओ। मुझे तो इतना पानी आ रहा है कि मैं अच्छे वाले प्लेट में सजा भी नहीं सकती अभी अभी, मतलब खाना स्टार्ट कर दूंगी, इतना अच्छा लग रहा है ना देख के। और दम आलू के ऊपर से मैंने थोड़ा सा केचप डाला। ओ मैंने तो बताया था पहले आपको। ओहो, कलर देखो यार, ये कितना टेस्टी बनता है, आप जरूर बनाओ इसको, घर पे जरूर ट्राई करो। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जिस ऑयल में आप फ्राई करते हैं ना, डीप फ्राई, वो ऑयल नेक्स्ट खाने में आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो 24 आवर्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद ना ये ऑयल जो है ना पूरा जहर बन जाता है। सो इसको यूज़ मत कीजिए। इसीलिए मैं छोटे वाले बर्तन में जो है पूरियाँ तलती हूँ, ताकि कम से कम ऑयल यूज़ हो सके। और ये ऑयल मुझे पूरा फेंकना पड़ेगा, क्योंकि मैं खाने में बहुत कम ही ऑयल यूज़ करती हूँ, तो एक दिन में तो ये ख़त्म होने वाला है नहीं। सो उसको बाद में देखते हैं, पहले चलो डिनर करते हैं। सो कैसा लगा गाइस ये व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे रेसिपीज़ को आजकल इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, तो मेरा भी बहुत मन होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी अपने व्लॉग में शो करूँ। सो कीप ऑन वॉचिंग गाइस, मैं फिर मिलूंगी एक और अच्छा रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दिल्ली।